टैलेंट के सहारे लोग पहले फेमस होते थे, आजकल तो अटपटी हरकतें करके चटपटे रिश्ते फेमस हो रहे हैं। जी हाँ, कहीं वो दो नन्हे मुन्ने निब्बा निब्बी शादी करके अपने बच्चे की हग्गू पॉटी साफ करके फेमस हो रहे हैं, कहीं ये आदमी जो एक शादी के काबिल भी नहीं है वो दो शादी करके फेमस हो रहा है। और अब ये नए आए हैं, रचना और उसका चना। और आपका फेवरेट दोस्त? हाँ समझ गए, दोस्त है। तो दोस्त है दूर से ही बता सकते हो, हाँ ये मेरा दोस्त है। ऐसे गोदी में लेके कैमरा एंगल से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आप एक माँ हैं, मैं आपको बाप लग रही हूँ। नहीं, आप मुझे निब्बी लग रही हो, और पीछे बैठा हुआ पपीता मैन वो मुझे नशे में लग रहा है। दोस्तों अभी तक तो आपको ये दोनों बहुत क्यूट कपिल लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से, पर नहीं, नो नथिंग, बिल्कुल नहीं, ये एक माँ और बेटा है। सोचो इल्लू की हरकतें इतनी गड़बड़ है कि इस संतूर की टिकिया को, मतलब इस निब्बी को, मतलब इस माता को लिखकर बताना होता है हर वीडियो के ऊपर कि हम लोग मॉम एंड सन है, मदर एंड सन। ऊपर वाला ना करे कि इंस्टाग्राम वाले कभी इंस्टाग्राम पोस्ट टैग या फिर नाम लिखने का सिस्टम ना हटा दे, नहीं तो इन लोगों को अपने माइंड पे लिखवाना पड़ेगा, हेड में लिखवाना पड़ेगा मॉम एंड सन, ताकि दुनिया वालों को बता सके कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। ए रुको रुको, जैसी तुम्हारी उम्र है ना, ये किताबें उठाने की है, तुम्हारी मम्मी को उठाने की नहीं। जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, जैसा कि मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, ये इसकी मम्मी है या पड़ोसी की बेटी पिंकी, समझ रहे हो ना, पुरानी ओल्ड मूवी की पड़ोसी की बेटी पिंकी, जो गुस्सा हो गई है तो गोदी में उठा के मना रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था। ए मोटे साड़ की छोटी पूछ, ये कैसी हरकत है, माँ को कौन मारता है? जैसी मैं बता रही हूँ जलती मोमबत्ती जलाकर नाक में लेगा, जान ले लो अपनी, लेकिन माँ को ना मारो, माँ को कौन मारता है यार? नो नथिंग नेवर। इसमें लड़की की गलती भी तो नहीं है ना, आंटी जी ने वीडियो बनाने चक्कर में लड़की को इतना ज्यादा सर पे बैठा लिया है, कोई सीमा ही नहीं बची रिश्तों की, मर्यादा की रिश्ते कोई सीमा ही नहीं बची। और जो सीमा होती है माँ और बेटे की, ये उससे बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा आगे। वाह वाह, मम्मास पोज, ये मम्मास पोज है, ये मम्मास पोज है। इंडिया में मम्मी लोगों के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसे कहते हैं मम्मास पोज, ना कि इसे। मास पोज नहीं है, ये लोग तो फॉरेनर से भी आगे निकल गए, मतलब विदेशी लोगों से भी आगे निकल गए, वो लोग भी ऐसा नहीं करते। हमें टेक्नोलॉजी में उनको पीछे छोड़ना था, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं, वो लोग भी वीडियो के लिए अपनी मम्मियों के साथ ऐसी हरकत नहीं करते, ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं, बदतमीजी में नहीं, हमें उन्हें पीछे छोड़ना था। वैसे पीछे तो आज मुझे मेरा चैनल छोड़ रहा है, व्यूज ही नहीं आ रहे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यूज बढ़ाइए मेरी। कितना प्यारा बच्चा है मेरा, एकदम सो क्यूट, माय बेबी। आप लोग सोच रहे होंगे सौतेली मम्मी होंगी, स्टेप मदर, लेकिन नहीं, नो नक्को, ये इनकी रियल माँ है। एक्चुअली क्या है, आंटी का फेस ही इतना बेबी वाला है, बड़ी ही नहीं हो पा रही, बड़ी लग ही नहीं पा रही है, जान के भी कोशिश करके भी बड़ी लग ही नहीं पा। और आंटी ने तो बच्चे पैदा होते ही सोच लिया था कॉन्टेक्ट आ गया है, अब आ गया है समय फेमस होने का। तो बेचारे को कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं था, इतनी छोटी उम्र थी इसकी, पर आंटी कमर में हाथ रख के उसे कंटिन्यू डांस कराई जा रही है। पर व्यूज भी तो चाहिए, एक टाइम में तो मुझे लग रहा था हो सकता है अंकल की दूसरी शादी हुई हो और ये बच्चे पहली बीबी क्यों, पर बाद में मुझे पता चला कि आंटी पिछले 20-25 सालों से एक ही जैसी लग रही है। लोगों की तो गाड़ी में ब्रेक होता है, लेकिन आंटी की तो शकल में ब्रेक लग गया है, जिंदगी तो आगे जा रही लेकिन शकल वही रुक गई है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शकल आगे ही नहीं बढ़ रही। और कोई बुराई नहीं है शकल बढ़ने में, ये तो एक अच्छी चीज होती है कि आप हमेशा छोटे लगते हैं,
लेकिन दिमाग दिमाग तो एक समय के साथ बढ़ जाना चाहिए, जो कि इन आंटी का नहीं बढ़ा है। और आंटी का दिमाग आज भी 16-17 साल पीछे है। आंटी आज भी 16-17 साल की लड़की की तरह निब्बर निब्बी की तरह वीडियो बनाती है, वो भी अपने बच्चों के साथ। इतनी खूबसूरत थी या ऐसी वीडियो बनाने से उनकी वीडियोस पर व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनके बस लेकिन उनके बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे। कद्दू, तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम। मैं बता रही हूँ आपको, वो दिन अब दूर नहीं है जब लोग इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए अपने जिंदा बच्चे को कैचम कैच खेलेंगे। जी हाँ, कैच कैच खेलेंगे। अरे भाई, सवाल ये कर कि तू पहले से इतनी गदी थी या वक्त ने किया कोई पागल सितम। एक साइड एक माँ अपनी बच्ची को एक्सप्लोइट कर रही है, और एक साइड ये माँ और बेटी मिलकर एक दूसरे को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, और एक साइड टूटी हुई झाड़ में दीमक जैसा लगा हुआ लड़का अपनी माँ को इतना प्यार करता है कि इसकी माँ को रोज सुबह से रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि प्लीज बेटा मुझसे आई लव यू बोलो, प्लीज बेटा आई लव यू बोलो, बेटा बोल दे एक बार आई लव यू मम्मी, बोल दे प्लीज आई लव यू मम्मा। जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आई लव यू बोलो तभी जाऊंगी। अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी। आप बोलो मुझे आई लव यू बोलो, आप मुझे बोलो आई लव यू बोलो, बोलो प्लीज। लानत है भाई लानत, मैंने अपने बचपन में अपनी मम्मी ही कहने में रिश्तेदारों के सामने ठुमके तक लगाए हैं, और ये अपनी मम्मी को आई लव यू नहीं बोल रहा। और ये पुराने लोहे की जंग लगी सीढ़ी अपनी मम्मी को आई लव यू तो नहीं बोल सकता। पहले मुझे लगता था इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ सारे कम मर्जी से। बेचारी आंटी करे भी तो करे क्या, अंकल को एक्सप्रेशन ही देने नहीं आते, व्यूज कहाँ से आएंगे। अंकल ये कभी बड़ी नहीं होगी, अब दो बच्चे हो गए अभी नहीं हुई तो कब बड़ी होगी। अरे ये आंटी रोहित का फीमेल वर्जन है। रोहित तो मजा आएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्मिटा पियेंगे। बेचारे अंकल इतना भरोसा करते हैं अपनी बीवी पर कि जॉब पे जाते टाइम बोल के जाते हैं बाय। बच्चों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे अंकल जी, बिल्कुल। सितम है। मेरी मम्मी ध्यान रखने के नाम पर मुझे किताब कॉपी लेके बिठा देती थी और साथ में तो चाटे ही मारती थी, ध्यान से पढ़। और यहाँ ये आंटी अदाएं दिखा रही हूँ, बेटा ही बोल रहा है तेरी ये अदा तो एक सितम है। तेरी जैसी उम्र में तेरी गंदी नजर सकलका बूबू की पेंसिल में होना चाहिए या बेंटेन की घड़ी में होना चाहिए। अच्छा ये लोग वीडियो में मॉम एंड सन लिख देते हैं, नहीं तो जैसी ये झींगुर की शकल है तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी कभी बन सकती है। वैसे ये अच्छा ये लोग अपनी वीडियो में मॉम एंड सन लिख देते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता इस झींगुर जैसी शकल की कोई गर्लफ्रेंड ही बन सकती है। और आंटी बच्चों के ध्यान रखने नाम पर सिर्फ रील नहीं बनाती, ब्लॉग भी बनाती है ये। हाँ यस, ये ब्लॉग भी बनाती है और डालती भी है। देखिए बेटी बेचारी बाजू वाले रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही हो, मम्मी बेटे की गोद में बैठकर गाने सुन रही है, रही है और एंजॉय कर रही है। अरे आंटी मम्मी का काम तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को सपोर्ट करना होता है, और ना पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ दो चांटे मारना, ये तो उनके साथ खुद मस्ती करने निकल के खुद एंजॉय करने लगता है। हम लोगों की जनरेशन आखिरी जनरेशन है जिनकी मम्मी को संस्कार देने आते हैं। अब जो फ्यूचर में मम्मी होंगी उन लोगों को सिर्फ अपने बच्चों को फेम देना आएगा, सिर्फ ओनली फेम। इनके घरों में सब उल्टा होता है, नॉर्मल घरों में माँ बच्चे को मारती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे मम्मी को मारते हैं, इनके घर में बच्चे मम्मी को मारते हैं। हमारे घर में बच्चे जिद करते हैं, इनके घर में मम्मी जिद करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नॉर्मल घरों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की इज्जत की जाती है, और यहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चों का कद्दू इज्जत की जाती, कोई इज्जत नहीं। और यहाँ पर बच्ची माँ की गोद में नहीं लेटते, माँ बच्ची की गोद में सोई हुई है। ऊपर वाले जाने कौन से यूनिवर्स में जी रहे हैं ये लोग। एक तरफ ये बेचारे भोले अंकल, समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। या तो तुम अरे रे रे बेचारे टेडी बियर जैसे पति से बोल रही, या तो तुम या फिर कोई और। बेचारे भी शर्मा की मुस्कुरा रहे हैं।
कितना भोला हो सकता है किसी का पति, सोचिए कितना भोला। करीब तो इस तरह कितने दुखी है बेचारे। बेचारे अंकल खुद के लिए कपड़े भी नहीं खरीदते, बेटे के कपड़े पहनते। बेटा तो बेटा बेटी के साथ भी रील बनाती है। अम्मा वो लड़की भी अपने माँ से बड़ी लग रही है। ये कौन सा जकाला जादू हाथ लगा है इनके जो हमें नहीं मिल रहा। कौन सा टाइम आ गया है जिसमें लड़की है इससे बड़ी लग रही है और आंटी है इससे छोटी। माँ के पैरों में जन्नत होती है ये तो सुना था, पर ये बेटों के पैरों में कंपनी ये कब से होने लग गया। हमारे घर में मम्मी लोगों को गलती से ही पैर लग जाता है तो हमें उनके पैर छूना पड़ते हैं, माफी मांगना पड़ती है। अंदर से लगता है अरे पैर लग, अंदर से लगता है अरे ये क्या हो गया। और यहाँ देखो मम्मी बच्चे के पैर में बैठी हुई। क्या बोलते कंपनी कमाईले बहुत बने। यार यहाँ हम लोग किसी की रिश्ते को जज नहीं कर रहे लेकिन ये सब चीजें एटलीस्ट इंटरनेट पर नहीं करना चाहिए। यहाँ से लोग क्या सीखेंगे, और लोग बाहर के आएंगे और इसी तरह की वीडियो बनाएंगे व्यूज के लिए। कोई भी रिश्ता बना के ऐसे वीडियोस बनाएंगे और उन्हें यही सीख मिलेगी और रहेगा। अब इनको देखकर और 5-6-7-8 लोग बिगड़ जाएंगे कि व्यूज तो आ रहे हैं, कंटेंट तो मिल रहा है नया, और बस इसी तरह से चलता रहे। और बात रही व्यूज की तो आजकल ये गंदी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। मेरे भी चैनल पे जाके व्यूज देख लीजिए, आजकल तो व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज जाकर मेरी वीडियोस देखिए, ये वाली वीडियोस देखिए, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट बताइए, कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। और शेयर करिए मेरी वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।